हाय गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। आखिरकार आप लोगों का सीबीएसई ट्वेल्थ बोर्ड कैंसिलेशन का नोटिस आ गया है। और देखिए उसमें क्या है कि सीबीएसई ट्वेल्थ बोर्ड परीक्षा 2021 पर अंतिम निर्णय ले लिया गया है। और जैसे कि शाम में हुआ था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, केंद्रीय और सीबीएसई का जो भी बोर्ड है वो लोग साथ में बैठे थे और ट्वेल्थ बोर्ड का एग्ज़ाम रद्द करने का फैसला लिया है। और बहुत समय से स्टूडेंट और पेरेंट्स इसका मांग भी कर रहे थे कि अब कैंसिल किया जाए, बहुत टाइम हो गया है। और दिल्ली समेत बहुत सारे राज्यों ने भी ट्वेल्थ की परीक्षा रद्द करने का मांग भी किया था। और सुप्रीम कोर्ट, इन्होंने भी बोला था कि अगर आप एग्ज़ाम लेते तो कोई एक नोटिस, मतलब कोई एक रीज़न बताइए जिससे हम एग्ज़ाम ले, वरना इसको कैंसिल किया जाता है। और पीएम मोदी ने इसके हित में, स्टूडेंट के हित में रहते हुए ये नोटिस जारी किया है। और उन्होंने कहा है कि सीबीएसई 12वीं की परीक्षा रद्द किया जाता है। और ये बात खुद नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल पर लगाया, जो कि आप अभी सामने देख रहे हैं। और एग्ज़ाम को लेकर जो स्टूडेंट पेरेंट्स टीचर जो तनाव की स्थिति में थे, अब उसको ख़त्म करना किया जाता है और सभी लोग साथ मिल के इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। और पीएम मोदी ने कहा है कि कोविड के हालात अस्थिर है, मतलब अभी अनबैलेंस है, कहीं ज़्यादा हो जा रहा है, कहीं कम हो जा रहा है। देश के कुछ राज्यों में जहाँ माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाकर संक्रमण दर कम भी हो रहा है तो कहीं पे ज़्यादा हो जा रहा है। ऐसे परिस्थिति में पेरेंट्स टीचर और स्टूडेंट खुद भी स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं। ऐसे तनावपूर्ण माहौल में स्टूडेंट पर बोर्ड परीक्षा के शामिल होने का दबाव नहीं डालना चाहिए और इसको लेते हुए अब छोड़ देते हैं। और ये रहा आपका ट्वेल्थ का, और कैसे अब बात होता है कैसे बनेगा ट्वेल्थ का रिजल्ट। तो सीबीएसई क्लास ट्वेल्थ एग्ज़ाम कैंसिल होने के बाद अब अहम सवाल ये है कि स्टूडेंट का मार्क्स किस आधार पर रिजल्ट बनेगा। तो केंद्र सरकार और सीबीएसई ने कहा है कि समय अनुसार उचित क्राइटेरिया के तरह मार्किंग किया जाएगा और रिजल्ट तैयार किया जाएगा। वही स्टूडेंट पिछली बार की तरह परीक्षा देने का विकल्प भी दिया जाएगा कि जो स्टूडेंट देना चाहते वो दे देंगे और नहीं देना चाहते वो नहीं देंगे। जो स्टूडेंट अपने मार्क्स से संतुष्ट नहीं होंगे या फिर बाद में एग्ज़ाम देने का विकल्प भी चुन सकते हैं कि हाँ भैया हम बाद में एग्ज़ाम देंगे, इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। और जैसे कि एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ